नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाभ न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, कल ही पैक्स चुनाव जो 9 पंचायतों के लिए 9 अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव हुआ था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। आज उसका परिणाम की घोषणा धीरे धीरे हो रही। अभी जैसा कि बैजला पंचायत बहुत ही बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मात्र 8 मतों से विजय प्राप्त किया। अब बाराजोर पंचायत के लिए विजय कुमार को विजय मिला है। प्रखंड में सबसे ज्यादा मत अगर मिला है तो विजय कुमार को मिला। देखिए, पद मिलना एक अलग बात है, और यहाँ हमारे साथ जिला संख्या अकाउंट ऑफिसर भी मौजूद हैं, तमाम प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं गेट के बाहर मौजूद हैं। तब तक बने रहिएगा साथ हमारे साथ, हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। ये बधाई शंकर जी, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आपको चुना गया है? दूसरी बार है। ये मैं पुनः दोबारा है। चलिए, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता किसानों को सम्मानित ढंग से उनके सभी समय 100 समय हम उनका काम करेंगे, और किन्हीं प्रकार का शिकायत हम पंचायत में नहीं करें, समाज सेवा के में प्रति जुड़े रहेंगे। जात पात से ऊपर उठकर? जी, जात पात से ऊपर उठ करके। ठीक, थैंक यू। करेंगे आप? वीडियो साहब बोल दीजिए भैया। एक महिला नहीं आए। महापौर पैक्स अध्यक्ष के रूप में प्रेमनाथ यादव को चुना गया है। कैसा लग रहा है आज, कैसा महसूस करें? कितना टर्म है आपका? ये 5वां टर्म मेरा लगा था। पहला चुनाव जीते थे 24/10/1997। लगातार आज तक जीत दर्ज करते आ रहे हैं? लगातार आज तक समाज के लोग मदद करते आ रहे हैं। चलिए, किसानों के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? सबसे पहले किसानों के लिए जो हमारा प्राथमिकता है, किसानों को जो जो जरूरत पड़ता है, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, ये सारे जो जहाँ पानी की जरूरत है उसको हम कोशिश करते हैं व्यवस्था। कितना गोदाम बनवाए आप? एक तो पहला गोदाम बनवाते इसी परियोजना से, उसके फिर दूसरा बनवाए 200 MT गोदाम। वो है क्या कहते हैं आपको, मुख्यमंत्री धान खरीदने के लिए, किसानों को धान स्टोर करने के लिए क्रय केंद्र करो, क्रय केंद्र करो। चलिए, अच्छी बात है। बधाई आपको जीत की, जनता के लिए काम करिए, किसानों के लिए काम करिए। जीत की बधाई विजय कुमार आपको। कैसा लग रहा, महसूस कैसा हो रहा आपको? क्या क्या किसान के लिए काम करेंगे आप? किसानों को उचित मूल्य पे अनाज, उसका धान की अधिक प्राप्ति होगी, और जो स्पीडियस चलती है उसको सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से चलाया जाएगा, और चलाते भी आए हैं जिसके कारण हमें जीत मिली है। और ये हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है, हमारे मतदाता भाइयों की जीत है, और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। थैंक यू। जुड़ेंगे आज जो प्रेमनाथ यादव जीते हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच इनकी अच्छी छवि, अच्छा काम किया, क्या कहना है? बहुत अच्छी छवि है इनकी, और आज 1997 से इनका बहुत अच्छा मेहनत रहा है समाज के बीच में, गरीब गुरबा को देखते आए हैं, इसी कारण से जनता इनको बहुत बढ़िया ढंग से मदद करके आज जीत की खुशी इनको माला पहनाया है। जी जी, चलिए, क्या क्या किसानों के लिए कितना आसान भी ताब है संजीव जी? किसान को जहाँ तक बन पाया प्रेमनाथ जी लाभ दिए हैं, और किसानों के लिए, और जहाँ तक कीटनाशक है, सिंचाई की सुविधा हो, सारी व्यवस्था की जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात, फिर से बताइए आपको। सर, आपके बहुत करीबी रहे, आज विजय घोषित किए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? चले जाओ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ये एक संदेश है कि सत्य की जीत होती है। जो आदमी ईमानदार है और तुलनात्मक रूप से, 100% तो कोई सही नहीं हो सकता है कलयुग में, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो बेहतर काम करते हैं, गरीब गुरबा का दुख दर्द समझते हैं, और बड़े छोटे का लिहाज करते हैं, वैसे लोगों को समाज में, चाहे जिस जाति को हों, जिस बिरादरी को हों, जिस कौम के हों, जिस पार्टी को हों, जिस पद पर हों, वैसे लोगों को विजय होना चाहिए। थैंक यू सर। को भी समाज में आशीर्वाद की जरूरत। बैजला पंचायत के लिए पैक्स अध्यक्ष के लिए आज चुने गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? हरी जाधव सर। क्या करेंगे किसानों के लिए? किसान के लिए, विकास के लिए सर। किसान के विकास का काम करेंगे आप? जी सर। कितने मतों से जीते हैं आप? 8 वोट से। मात्र 8 वोट से जीते हैं? चलिए, अच्छी बात, बधाई आपको। कौन सा पंचायत? पंचायत का भी नाम बता दीजिए। बैजला सर। महापौर पैक्स अध्यक्ष के लिए प्रेमनाथ यादव को प्रमाण पत्र देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी झाझा।
सह निर्वाचित पदाधिकारी के लिए पैक्स अध्यक्ष के रूप में शंकर यादव को प्रमाण पत्र देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी झाझा अरविंद कुमार यादव 233 मत प्राप्त किए हैं, नीतीश कुमार 174 मत प्राप्त किए हैं। लिए पैक्स अध्यक्ष के रूप में शंकर यादव को प्रमाण पत्र देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी झाझा जुड़ेंगे। आज जो प्रेमनाथ यादव जीते हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच इनकी अच्छी छवि, अच्छा काम किया, क्या कहना है? बहुत अच्छी छवि है इनकी और आज 1997 से इनका बहुत अच्छा मेहनत रहा है समाज के बीच में, गरीब गुरबा को देखते आए हैं, इसी कारण से जनता इनको बहुत बढ़िया ढंग से मदद करके आज जीत की खुशी को माला पहनाया है। जी जी, चलिए, क्या क्या किसानों के लिए कितना आसान भी ताब है संजीव जी? किसान को जहाँ तक बन पाया प्रेमनाथ जी लाभ दिए हैं और किसानों के लिए और जहाँ तक कीटनाशक है, सिंचाई की सुविधा हो, सारी व्यवस्था की जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात, फिर से बताइए आपको। कोटी के सदस्य श्रीमती कमली देवी 110 मत प्राप्त किए हैं, ठाकुर दास 72 मत प्राप्त किए हैं, दिनेश कुमार रोशन 82 मत प्राप्त किए हैं, बड़की हेम्ब्रम 44 मत प्राप्त किए हैं, लखपति सोरेन 36 मत प्राप्त किए हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाति में महिला में श्रीमती कमली देवी और पुरुष में श्री दिनेश कुमार रोशन को अधिक मत प्राप्त हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाभ न्यूज 24, मैं हूं जिला ब्यूरोची वीरेंद्र कुमार। आज जम्मू जिला के तेज तर्रार SDM प्रतिभा रानी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ पैक्स चुनाव को संपन्न कराया, साथ ही साथ सरस्वती पूजा को लेकर उन्होंने मीडिया को बताया कि 17 तारीख तक ही सभी को लाइसेंस दिया गया, कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि हर तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। दर्शकों को लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विवाद होता है, हालांकि वो आपका ताराकुरा भी खुद जाके देखी हैं और उसके बाद कई जगहों पर जाकर उन्होंने खुद से गहन निरीक्षण किया और सबों का आश्वस्त किया कि आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा को मनाए। तुम्बा पहाड़ जैसा कि संवेदनशील माना जाता है, तुम्बा पहाड़ के भी लोगों को भी उन्होंने खुद जाकर स्पॉट पर और ताराकुरा में भी स्पॉट पर जाकर समझाने का काम किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।